तो दोस्तों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शुभम कॉर्बेट ब्लॉग। ये देखें आप, साइड में एलिफेंट खड़ा है। इसी तरह से जब समर टाइम में आप लोग आते हैं जिम कॉर्बेट, तो देखेंगे झाने में छुप के एलिफेंट खड़े रहते हैं और सडनली चार्ज कर सकते हैं। इसलिए अपने जिप्सी या कैंटर को एक डिस्टेंस मेंटेन करो। धमकी दे रहा हमको ये, हाँ भैया चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपके लिए खतरा बन सकता हूँ मैं। तो इसी तरह ये खतरा बन सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करें। बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी है एलिफेंट। समर टाइम में मैक्सिमम टाइम आपको देखेंगे आप झाड़ी में छुपे ठंडी जगहों में खड़े रहते हैं और जगह जगह कभी एक कभी दो कभी झुंड में ही आपको दिखाई देंगे। एलिफेंट वैसे बहुत नेचर से शांत प्राणी है, लेकिन जब खतरा महसूस करते हैं तब ये चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह ये आप लोग देखें, ये देखें आप लोग, ये एक दूसरा प्राणी है, येलो थ्रोटेड मार्टिन। ये ओमनीवोरस होता है, मोस्टली ये फ्रूट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी मार देते हैं, छोटे एनिमल्स को। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब डियर के छोटे बच्चे को मारते हैं तो डियर जिंदा रहता है और तब भी उसके जिंदे को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही लंगूर को मार सकते हैं और भी एनिमल को मार सकते हैं। तो ये बहुत रेयर प्राणी है, टाइगर इसके मुकाबले आसानी से दिखता है, लेकिन और ये मौका परस्त होता है और डियर के बच्चे को मार सकते हैं। तो काफ़ी रेयर प्राणी है, इसको बोलते हैं येलो थ्रोटेड मार्टिन। येलो थ्रोटेड मार्टिन देखें आप कैसे पहाड़ों में कूद कूद खींचा जा रहा है पेड़ों की ब्रांच के ऊपर। मोस्टली जहाँ फ्रूट्स के पेड़ होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बैनियन ट्री पर अक्सर दिखाई देंगे आपको। ये इंसान शांत में चुपचाप बैठ गया, अभी आप देखें इसको किस तरह चुपचाप बैठा है ऊपर, धूप के मजे ले रहा है, खेल रहा है और शिकार की तलाश में है ये। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे।